आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। पुलवामा में हुए आतंकी घटना के बाद जिले में शोक की लहर हर स्थान पर देखने को मिली। वहीं युवाओं में भी काफी रोष देखने को मिला। पुलवामा में शहीद हुए 42 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद जवानों को नमन किया गया तो लोगों की जुबान पर केवल सरकार से ऐसी घटना पर रोक लगाने के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। जिले में सभी संस्थानों कार्यालयों पर इस घटना के विरोध में गुस्सा देखने को मिला। सभी लोग सरकार से जवाब की मांग कर रहे हैं। वहीं अपने वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। रोष आप लोग देख रहे हैं और पूरा देश आज रोष में है। भारतीय जवान 42 जवान शहीद हुए हैं। ये बहुत ही कायरतापूर्व हरकत पाकिस्तान ने किया है। अब समय आ गया है कि भारत के प्रधानमंत्री पुनः सर्जिकल स्ट्राइक करें पाकिस्तान पे और पाकिस्तान का ईंट से ईंट बजा दिया जाए। और भारत की जनता अब घरों से निकलने को व्याकुल है। भारत के प्रधानमंत्री देश के सेना को छूट दें और हम लोग जनता पाकिस्तान में जाकर के लाहौर में तिरंगा लहराएगी। पाकिस्तान सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से जैसे मोहम्मद लश्करे तोयबा के गुर्गों को और आतंकवादियों को शाह दे करके जो भारत में आत्मघाती दस्ता द्वारा 42-44 सैनिकों की हत्या कराई गई है, ये बहुत ही कायरतापूर्ण क्रिया है। भारत सरकार से मांग किया जा रहा है कि ये हाफिज सईद सरगना जो है जिसको छोड़ दिया गया था जहाज अपहरण कांड में, ऐसे उसको घुस करके पाकिस्तान में जैसे उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा है, भारत सरकार को उसे जहां भी पाकिस्तान में छिपा हो उसकी हत्या की जानी चाहिए और तिरंगा झंडा अब की बात पाकिस्तान के कराची और लाहौर में फहराया जाना चाहिए। तब इन आतंकवादियों